online class. Today I am going to start the remaining portion of the lesson. What books and burials tell us? What books and burials tell us? In the previous class, we learnt about the importance of the books for the historians and the archaeologist. They came to know about the Vedic period. जो बुक्स के द्वारा या जो हम लोग लेसन पढ़े थे, जो रिमेनिंग पोर्शन में हम लोग से पहले जो पढ़े थे, उसमें हमने बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक दैट वाज ऋग्वेदा, और उस ऋग्वेदा के थ्रू जो है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चला. दे केम टू नो अबाउट द वैदिक कल्चर, अबाउट देयर लाइफस्टाइल, their culture, their language and all other things. And through the Vedas, the historians came to know that they were mainly concentrated on the northwestern part of India. India ke northwestern part mein hi ye Vedic civilization jo hai vikas hua tha. To itne sare cheeze jo hai hum log pichle baar mein pad chuke hain. Now let's start with a new topic. That is words to describe people. There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. इस ऋग्वेदा में जो है कुछ special words थे जो बहुत famous थे. उनके काम के आधार पर, उनके सोसाइटी के आधार पर, उनके कम्युनिटी के आधार पर, उनके फैमिली के आधार पर कुछ जो शब्द जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. तो उसमें जो है लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा. देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क. द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, द अदर वन इज राजास. मतलब उस वक्त जो है ऋग्वेदा के पीरियड में जो है दो जो शब्द है बहुत ज़्यादा फेमस थे. एक वर्ड है प्रीस्ट एंड द दूसरा वर्ड है राजा. मैं उनको लिखने जा रही हूँ. द वर्ड फर्स्ट वन इज प्रीस्ट, प्रीस्ट, और दूसरा है राजा. प्रीस्ट समटाइम्स जो है आजकल हम लोग उन लोगों को ब्राह्मिन्स भी कहते थे, उस समय उनको ब्राह्मिन्स भी कहा जाता था. To perform the various rituals, उनका काम था कि धार्मिक अनुष्ठानों को करना, धार्मिक पूजा पाठ को करना, और समाज में उनको जो है बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था. ठीक है बच्चों, तो ये था नंबर वन में द प्रीस्ट. इनको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण्स भी कहते हैं. आज भी आप देखिए पंडित, पंडित जो है वर्ड जो है, या प्रीस्ट और जो ब्राह्मण वर्ड है आज भी जो है बहुत ही पॉपुलर है. एंड अनदर वर्ड इज राजा. राजा, राजा का मतलब ये है कि आज के द प्रेजेंट टाइम के राजा की तरह नहीं है. हमारे घर में राजा बोलने से क्या आता है, राजा का मतलब होते बड़े बड़ा महल, चारों तरफ जो है शानो शौकत रहता है, दास दासियां होती हैं, उनके अपनी आर्मी होती है. बट नॉट लाइक दैट इन द ऋग्वेदा पीरियड. ऋग्वेदा पीरियड में क्या होता था, आपको पता है ऋग्वेदा या वैदिक कल्चर जो है जस्ट सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग था. उस समय क्या था, लोग जो है जंगलों से बाहर आकर छोटे छोटे समूहों में बसना शुरू हुआ था. तो वो क्या क्लांस के रूप में ग्रुप बनाकर रहते थे. तो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो व्यक्ति जो है बहुत ही ब्रेव होता था, शक्तिशाली होता था, और वो लीडर की तरह काम करता था, उसे क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था. उसके पास भी कोई स्पेशल आर्मी नहीं होती थी, उनके समुदाय के लोग ही जो होते थे वो उसका आर्मी के रूप में होते थे. सो उस समय के राजा एंड आज के जो प्रेजेंट राजा में बहुत ही डिफरेंस है. सो आप लोगों को पता चला व्हाट आर द टू वर्ड्स वर वेरी फेमस ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड, दैट वाज द प्रीस्ट एंड द राजा. टू वर्ड्स वर डिस्क्राइब्ड फॉर द कम्युनिटीज. समुदाय के लिए भी दो शब्द बहुत ही पॉपुलर था, जना एंड द सेकेंड वन इज विश. जना स्टिल बी यूज इन द हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस. जन समुदाय, कॉमन मैन के लिए आज भी हम क्या कहते हैं, जन से जनता शब्द बनी है. इस प्रकार से ये शब्द आज भी प्रयोग किया जाता है. एंड द सेकेंड वन इज विश.
विष जो है बाद में वैश्य समुदाय के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमें जो है डिफरेंट वर्ड्स जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले हैं जो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, वो था जल और विष, और जो और दो समाज में फेमस दो वर्ड्स थे वो थे प्रिंस्ट यानी कि ब्राह्मण्स एंड द सेकेंड वन इज राजा। और मैंने आप लोगों को बताया था राजा उस समय का राजा और आज के उस समय जो राजा के पास ना कैपिटल होती थी राजा, लेकिन ये राजा शब्द जो है इस तरह के लीडर्स को आगे जो है सम्मान मिलने लगा। हमारे सिविलाइजेशन जिस तरह से आगे बढ़ते गए इनका राजा का जो पोजिशन है वो ऊंचा स्थान प्राप्त करने लगा था। सो द न्यू वर्ड्स क्या क्या वर्ड्स है, प्रीस्ट, राजा, जन एंड विश। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and the opponents, their opponents are called as a Dasa or Dasyu. कभी कभी क्या होता था, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो है समुदाय का एक गुटों में क्लांस में बटे हुए थे और इस समुदाय का जो है आपस में they fought with each other. Between the two groups, और किसके लिए होता था, for the cattle, for the land and for the water. जब उसमें जो group जो है जीत जाता था तो they were called as a Aryans. वो अपने आप को Aryans मानते थे और जो अपने opponent जो हार जाता था उनको वो दासा या दस्यु कहते हैं। बाद में later these words were called as a slaves. इस words को जो दूसरा नाम बाद में जो है दास के रूप में, क्योंकि वो क्या समझते थे, Later, the term Dasa came to mean as a slave. बाद में जो है इस दास वर्ड का नाम दास जो है slave के रूप में है। Slaves were women and men who were often captured in the war. जब भी मैंने कहा था ना छोटे मोटे उनके बीच में आपस में युद्ध होते थे और उसमें जो कैप्चर किए गए मैन और वुमन थे दे वेर कॉल्ड एज ए दास और ए स्लेव्स, दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर देयर ऑनर्स। उनको क्या मानते थे कि उनका प्रॉपर्टी है, उनका जो है उनका अधिकार है उस पर और वो जिस तरह से चाहे उनका यूज कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, वहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यस का सिविलाइजेशन जो है आर्य समाज का विकास के बारे में हमें बुक्स के थ्रू ऋग्वेदा के थ्रू और वेदास के थ्रू पे, लेकिन इसी अबाउट 3500 ईयर्स के बिटवीन जो है अदर एरियाज में भी कुछ सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, बट हमें जो है कोई तरह के एविडेंसेस बुक्स का प्रूफ नहीं मिलने के कारण हमने कुछ मटेरियल्स के थ्रू जो है मटेरियल्स नॉलेज, हिस्टोरियंस जो है केवल बुक्स के थ्रू ही नॉलेज नहीं मिलता उनको पास्ट का, कुछ मटेरियल्स को देखकर उन्हें पता चला था। इन बिटवीन द 3500 एंड 3000 there are also a development of some other culture in the southern part of India. So I explain you about that civilization also. The next topic is Silent Sentinels, the story of Begales. Silent Sentinel, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है, Silent Sentinels, खामोश प्रहरी कहते हैं, क्यों कहा जाता है, and the story of Begales. तो सबसे पहले आपको मालूम होना है What is the meaning of Megales? Megales. Megales दो शब्दों से मिलकर बना है. Two words that is Megha plus Lids. Megha. Megha means huge. And the Lids means जो है stone. The huge stone means the huge boulders or big stones are known as Megales. मतलब बड़े बड़े stones के जो टुकड़े होते हैं stones होते हैं उन्हीं को Megales कहा जाता है. Huge stones. अब इसका क्या यूज है, ह्यूज स्टोन्स के बारे में हिस्टोरियंस ने क्यों इतना डिस्क्राइब किया है, क्या वजह है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा या हिस्टोरियंस को इसके थ्रू कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो वो जानकारी क्या है, दीज स्टोन्स वेर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल, दीज स्टोन्स वेर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल एंड वेर यूज टू मार्क द बरियल साइट्स। आपको समझ में आया बच्चों, ये जो मेघालिस है ये बड़े बड़े जो स्टोन के जो स्टोन्स हैं इनको जो है बरियल साइट में वे रखते थे एज ए मार्क, एक मार्क के रूप में, निशान के रूप में, कि बरियल कब्र का जहाँ पे कब्रिस्तान होता था, दफनाया जाता था, लोगों को दफनाए के बाद में ये ह्यूज स्टोन्स को या तो एक बहुत बड़े टुकड़े के रूप में या जो है बहुत सारे स्टोन्स को मार्क के रूप में सजा दिया जाता था और मार्क कर दिया जाता है कि ये प्लेस क्या है, ये एक बरियल साइट है या यहाँ पर किसी का डेड बॉडी को दफनाया गया है। ओके एंड द प्रैक्टिस ऑफ
erecting megaliths began about the 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir. आपको ये जो मेघालिस है मेनली कहाँ पे, ये जो है कब किस समय के बारे में बता रहे हैं, सेम ऋग्वेदा पीरियड के ही आसपास के है, अबाउट 3000 ईयर्स एगो, और उनके बेस उसी समय जब वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था, सेम जो है साउथ में मेनली डेकॉन प्लेटो जोन एरिया, साउथ के जो जोन एरिया है और कश्मीर है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, आपको इस मटेरियल्स को देखकर जो है इतिहासकार को पता चला कि बरियल साइट को मार करने के लिए ह्यूज स्टोन्स का यूज करते हैं. सम मेगालिस कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिस बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड. कुछ जो है सरफेस पर भी उस मेगालिस को आप देख सकते हैं, कुछ जो है इंटीरियर जो है अंदर में भी उस मेगालिस का जो रूप जो है दिखाई देने को लगता है. लुक एट द पिक्चर, जिसमें जो है मैंने, इट इज ए वन टाइप ऑफ मेगालिथ एंड इट इज कॉल्ड एज ए सिस्ट. इनको उस समय में क्या कहा जाता था, सिस्ट कहते थे. अब बच्चे ध्यान से देखिए, मिडिल में जो है वो बरियल साइट है, कब्र है, उसके चारों तरफ जो है स्टोन्स के द्वारा उसको मार्क किया गया है, और आप ध्यान देखिए उसमें एक पोर्ट होल है. ये पोर्ट होल इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट कुड बी यूज्ड फॉर द एंट्रेंस पर्पस. ऐसा मानता है, हो सकता है कि इस मेघालय में जो है पोर्ट होल्स बनाए गए हैं ताकि उसमें जो एंट्रेंस कर सके. इस तरह के पोर्ट होल के बना हुआ मेघालय वहां पर कॉमनली सब जगह में इसी तरह से मेघालय दिखाई देता है. एंड ऑल दिस बरियल्स वेयर हैव सम कॉमन फीचर्स. सभी का जो है एक कॉमन फीचर होता है. जनरली जब किसी को कब्र में दफनाया जाता था तो उसके साथ में पॉट्स को रखा जाता था, एंड वो पॉट्स का कलर या तो रेड कलर या उसमें जो है ब्लैक कलर में होता था. साथ में सम टूल्स वेयर आल्सो विद हिम विद दैट बरियल साइट. उसमें जो है उसके साथ में टूल्स को भी रखा जाता है जो आयरन के मेड होते थे, और हॉर्सेस के स्केलेटन भी मिले गए. तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताते हैं हिस्टोरियंस, इसका मतलब है कि उस समय के साउथ इंडिया, डेकॉन प्लेटो एरिया, नॉर्थ ईस्ट जोन एंड इन द कश्मीर जोन्स में जो है लोग जो है पॉट्स का यूज बहुत ज्यादा करते थे. हॉर्स उनके समाज का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग था. एंड दे केम टू नो अबाउट द मेटल्स. उनको जो है मेटल्स के बारे में, खासकर वे जो है आयरन का यूज करना शुरू कर देते, यानी कि उन लोगों को जो है लोहा के बारे में ज्ञान मिल गया था. इससे पहले क्या है, स्टोन एज में था तो लोग सिविलाइजेशन की तरफ नहीं आए थे. वे सब औजार किसका यूज करते थे, पत्थरों के बने हुए औजार का यूज करते थे. यानी कि ये जो डेकॉन प्लेटो में रहने वाले लोग हैं उनको जो है खुदाई करके आयरन के बारे में ज्ञान मिल गया था, और वे जो टूल्स बनाते थे वो आयरन के बने हुए टूल्स थे. इस प्रकार से हिस्टोरियंस को मालूम हो गया कि किस क्या क्या उस समाज में क्या क्या चल रहा था. उस समाज में लोग पॉट्स का यूज करते थे, वहाँ पे हॉर्सेस का यूज, हॉर्सेस जो है एनिमल्स में उसका मेन पार्ट था उनके समाज में, और उन लोग जो है आयरन का टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज करते थे. तो इन चीज़ों का कब्रगाह के द्वारा पता चला ना बच्चों. तो इस तरह से मेटेरियल के थ्रू भी जो है हिस्टोरियंस को जो है इस मेघालय के थ्रू भी बहुत सारे चीज़ों का उस समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और डेकॉन प्लेटो में रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का सोसाइटी कैसे था इसके बारे में भी पता चला है. फाइंडिंग आउट द सोशल डिफरेंसेस थ्रू द मेघालय. मेघालय के थ्रू जो है हिस्टोरियंस ने सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी पता लगाया. हाउ, ये कैसे पॉसिबल है. यस, जब स्केलेटन्स को देखा गया तो उसमें पाया गया कि कुछ जो स्केलेटन्स है वो जो है बहुत सजा धजा हुआ है. उनमें जो है उनको जो है सोने के हार पहनाया गया है, उनका जो है तांबे के वे बैंगल्स पहने हुए हैं, बहुत सारे जेवरात से भरे हुए हैं, और सामान भी बहुत सारा है. लेकिन कुछ जो मेघालिस है उसका जो है बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है उसके पास में. अगर आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट वन ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन द अनदर. किसी में जो है ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा मिला है और किसी में जो है ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही कम मिला है. फॉर एग्जाम्पल इन द ब्रह्मगिरी जो है एक जगह है जहाँ पर ही वन स्केलेटन वॉज बरीड हु 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 काउच शेल. मतलब उनका जो है
33, आप सोचिए इतना गोल्ड का हार है, बीड्स पहना हुआ है, साथ में जो है कॉपर का बैंगल्स पहना हुआ है, इसे क्या पता चलता है कि वो जो है बहुत ही रिच, या तो ये वहाँ का चीफ होगा, या तो वहाँ का लीडर होगा, या तो वहाँ बहुत ही रिच पर्सन होगा। उसी तरह अनदर स्केलेटन को देखा गया तो उसको जो है कॉमनली कुछ भी पहना हुआ नहीं था उसके पास में, इससे क्या पता चलता है कि देयर वेर ए सोशल डिफरेंसेस इन दैट टाइम, वहां पर जो है सोशल डिफरेंसेस था, सम पर्संस सम ग्रुप्स वेर वेरी रिच एंड सम ग्रुप्स वेर वेरी पुअर। तो इस तरह का जो सोशल डिफरेंसेस भी जो है उस समाज का डिफरेंसेस भी हमें जो है इसके थ्रू पता चला है थ्रू द मेगालिथ्स। एंड सम अदर है द सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ मेगालिथ्स में जो है एक से ज्यादा स्केलेटन मिला गया। तो पोर्ट होल, आप मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ना, पोर्ट होल था, उस पोर्ट होल के लिए क्या था, एंट्रेंस था उस, ऐसा माना जाता है कि वहां पर जब स्केलेटन खोदा गया तो बरीड साइड पर एक से ज्यादा पांच ही थे, लेकिन एक ही पीरियड में नहीं था, नॉट द सेम पीरियड, ना तो सेम एज, ना ही सेम पीरियड का था, ना ही सेम एज का था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में थे, लेकिन काफी चार पांच स्केलेटन था। इससे ये आइडिया, जस्ट एक आइडिया है कि हिस्टोरियंस ने ये सोचा है, एक आइडिया लगाया है कि हो सकता है इसमें जो है एक ही फैमिली मेंबर्स जो है फैमिली मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में दफनाया गया हो, यानी कि उन लोग जो है एक मेघालिथ्स को जो है मार कर दिया था, बरीड किया गया था, और ये माना जाता था कि ये हमारा फैमिली का मेघालिथ्स है और इस मेघालिथ्स में जो है हमारा फैमिली मेंबर्स को ही दफनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है मेनली बरीड साइड को मार किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि ये मेघालिथ्स जो है हमारा फैमिली का है, दूसरा मेघालिथ्स जो है वो अदर फैमिलीज का है। तो ये पोर्ट होल का मतलब आप लोगों ने समझ लिया बच्चों कि पोर्ट होल के थ्रू जो है एंट्रेंस कर दिया जाता है और वहां पे बरीड कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है मेघालिथ्स के थ्रू में डेकन प्लाटू एरिया में, नॉर्थ ईस्ट प्लाटू, नॉर्थ ईस्ट जोन एंड द कश्मीर एरिया में मेघालिथ्स के मटेरियल के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि वो वहां पर एक आइडिया लगाया कि हो सकता है कि वहां का समाज में सोशल डिफरेंसेस था होगा, वहां पर जो है रिच एंड पुअर पर्संस रहते थे होंगे, वहां के लोग पॉट्स का ज्यादा यूज करते थे, हॉर्सेस का, एनिमल्स में हॉर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, मेटल्स का यूज करते थे, मेनली जो है आयरन का टूल्स को वे यूज करते थे, और वहां पर फैमिली मेंबर्स को, फैमिली जो मेंबर्स को था उनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एंड उनका जो मानना है कि लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि उन लोग जो है उसको बहुत ही पवित्र मानते थे और उनका ये मानना था कि जो है लाइफ जो है वो खत्म नहीं होती है बल्कि उसका एक सेकेंड साइकिल जो है शुरू हो जाता है। इस तरह से मेघालिथ्स के थ्रू जो है हमें जो है एक आइडिया मिलता है उस समय के समाज के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द इनामगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ए स्पेशल बरियल एट इनामगा। ठीक है, इनामगाव, इनामगाव क्या है ये, इट इज ए साइट ऑन द रिवर गोद, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, इट वॉज ऑक्युपाइड इन द इन बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। इनामगाव एक साइट है, एक प्लेस है, कहाँ पर, रिवर गोद जो भीमा रिवर के ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है बच्चों, ट्रिब्यूटरी का मतलब है छोटे रिवर जब एक बड़ी रिवर के में आकर ज्वाइन हो जाती है तो छोटा रिवर जो होता है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी होता है। और भीमा जो है कृष्णा रिवर का सहायक नदी, भीमा खुद एक ट्रिब्यूटरी है एंड इट ऑल्सो ज्वाइंस द मेजर रिवर दैट इज कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र और हमारा जो है कर्नाटका के बॉर्डर से बहती हुई आती है कृष्णा नदी। साउथ इंडिया का सबसे फेमस रिवर्स में एक रिवर है कृष्णा, कृष्णा। आपने बहुत सारे रिवर्स, साउथ इंडियन रिवर्स के नाम सुना होगा ना, कौन कौन से है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जो है हमारे साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स, मेजर रिवर्स में आते हैं। तो उसी रिवर का, उसी का एक सहायक नदी है कृष्णा रिवर का भीमा, और भीमा का सहायक नदी है गोद, और इसी गोद रिवर के पास में एक प्लेस साइट है दैट इज इनामगाव। इनामगाव के बारे में हमने क्यों, वहां पर एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का जो है मेघालिथ्स मिला है। मेघालिथ्स में इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो भी डेड बॉडी है उसको स्ट्रेच होता है और उनका जो हेड होता है
वो जो है नॉर्थ के साइड में, हमेशा नॉर्थ की ओर जो है उन्होंने उनके सिर को रखते थे और स्ट्रेट लिटा कर जो है उसका बरियल, उसको डेड बॉडी को दफनाया जाता था। हर एक वहाँ पे जो भी मिला है उसका जो जो डेड बॉडी का जो सर होता है वो नॉर्थ की दिशा में है। तो ये हिंदू रिवाज के हिसाब से ऐसा माना जाता होगा कि ये हम कुछ लोग ये मानते हैं कि यम का जो वास होता है वो नॉर्थ के साइड में होता है, तो शायद मृत्यु के बाद जो है उस नॉर्थ की ओर में दिखाने के लिए उन्होंने अपने उस जो डेड बॉडी का सर जो है नॉर्थ की तरफ में दिखा दिया। आज भी बहुत जगह में प्रचलन है। सो और उसमें और एक खासियत यह है कि जो है ये जो डेड बॉडी को है उन लोग शायद डेड बॉडी लाइफ आफ्टर डेथ मानते हैं, उनको अपना हिस्सा ही मानते, मृत्यु के बाद भी वे नहीं मानते कि वो उनका परिवार का वो हिस्सा चला गया है। वो घर में ही उस बर्गल साइट बनाते हैं और वहीं पर उसको दफना दिया जाता है क्रॉस लाइट करके, साथ में उसमें एक वेसल में जो है अनाज। और जब भी डेड बॉडी को निकाला गया तो पाया गया कि उसके सब में बसल्स है और उसमें जो है ग्रेन्स को रखा गया, अनाज है, पीने का पानी, यानी कि उन लोग जो है अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही मानते थे और उनके साथ में उनको अनाज आदि का भी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके दिया था। इस प्रकार से भी वो डरते नहीं थे बल्कि उनको अपने ही मेम्बर का एक हिस्सा मानते थे। तो ये था स्पेशलिटी अबाउट द इनामगांव। इनामगांव में जो है इस तरह के मेगालिस क्रॉस लेग्ड करते हुए मेगालिस जो है पाया गया है। और वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन ए लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए फाइव रूम्ड हाउस। एक बहुत बड़ा फाइव रूम के हाउस के कोर्टयार्ड में जो है मिडिल पार्ट के उसमें जो है एक बरियल साइट मिला, एक डेड बॉडी मिला जिसको जो है दफनाया गया है। मतलब वो उस जो इनामगांव जगह था उसका सबसे बड़ा घर था और वहाँ पे उस उन्हें दफन शायद वो वहाँ का हेड था होगा, उनको दफनाया गया। और उसके जो सामने ही जो है ग्रेनरी का यानी अनाज का स्टोरेज था, स्टोर रूम के पास ही में। मतलब इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे ग्रेनरीज को यानी कि ग्रेन को जो है अनाजों को जो है स्टोरेज करने का भी सिस्टम रहता था। एंड व्हाट अबाउट द ऑक्यूपेशन अदर थिंग्स ऑफ द इनामगांव। इनामगांव में जो है अधिकतर लोग जो है कई तरह के वहाँ पे जो है सीड्स मिले गए हैं। क्या क्या के सीड्स मिले गए हैं? राइस का, वीट का, पीजस का, मटर, मक्का, ये सभी चीज़ों का जो है सीड्स मिला। यानी कि हमें क्या पता चलता है, दे कल्टिवेटेड दीज ग्रेन्स, ये सब जो है इन कल्टिवेटेड करते थे। इस ग्रेन्स का कल्टिवेशन वहाँ पर होता है यानी कि वे एग्रीकल्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कैटल्स के जानवरों का भी अंश मिला और उस जानवरों में जो है कैटल्स था, डॉग्स था, काउ है, बेफल्लो है और ब्लैक बक है और डियर है, ये सारी चीज़ मिले। और साथ में उसमें कट के निशान थे। कट का निशान होने का मतलब ये है कि वे इनको जो है खाते भी थे, यानी कि वे नॉन वेजिटेरियन भी थे और इस एनिमल्स को वे खाते थे। और उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स के भी मिले हैं, जैसे कि ये जामुन हुआ है, आंवला का हुआ है, इस तरह मैंगो है, इस तरह के जो है फ्रूट्स का भी वहाँ पे मिला है। तो इससे क्या पता चलता था कि वे जो है इस तरह के फ्रूट्स का भी यूज़ करते थे। एनिमल्स भी उनका जो खाने में इम्पॉर्टेंट था, नॉन वेजिटेरियन भी वे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अनाज था उसका कल्टिवेशन भी वे करते थे। तो इस प्रकार से इनामगांव के वहाँ के मेगालिथ्स और वहाँ के जो बरियल साइट्स के थ्रू भी जो है उस सोसाइटी के बारे में जो है पता चला है। ठीक है बच्चों, ये जो है इस लेसन्स में जो है आपने टू टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। नॉलेज मिलने के लिए इतिहास हमें कैसा जानेगा, एंड देन द टू टॉपिक्स है बुक्स एंड मेघालिस। में बुक्स के द्वारा आपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के वैदिक कल्चर के बारे में पता चला, द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक दैट वॉज ऋग्वेद, एंड थ्रू द ऋग्वेद वी केम टू नो अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स का कल्चर, एंड थ्रू द मेगालिस वी केम टू नो अबाउट द सदर्न डेकन प्लेटोस सिविलाइजेशन। इस प्रकार से एक मटेरियल के थ्रू और एक लैंग्वेज लिटररी के थ्रू जो है हमें इतिहास को जानने का मौका मिला और हमें एक आइडिया मिला। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सच होगा, लेकिन ये जो है हमें पता चला, एक आइडिया मिला कि हाँ इस जैसा समय में इस प्रकार का सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ होगा। और साउथ पार्ट में लिटररी कोई भी चीज़ नहीं मिला, इससे पता चलता है कि वहाँ पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है,
बाद में जाकर, लेकिन दोनों ही सिविलाइजेशन एक ही टाइम में फ्लॉरिश हुए थे बिटवीन द 3500 ईयर्स टू 3000, जो 3000 है 2000 आपको यहाँ पे भी मिला है, 3600 टू 2700 ईयर्स के बिटवीन का है। तो यानी कि दोनों ही कल्चर बिल्कुल आसपास के समय का है, लेकिन एक जगह में लैंग्वेज का लिटररी का जो है अवशेष हमें मिला है, लिटररी लैंग्वेज वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया था, और साउथ इंडिया में जो है हमें सिर्फ मटीरियल का, बस वहाँ पे डेवलपमेंट लैंग्वेज का हमें जो है कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला। इस तरह से दैट वाज द एंड ऑफ दैट लेसन। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू सम होमवर्क। आप लोग इस होमवर्क, आपको मैंने पढ़ाया गया है उसी का अंश में से मैं कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ, और आप बुक्स को रीडिंग करिए और अपने या तो अपने टीचर से या अपने बड़े भाई बहनों से उस आइडिया लेकर आप उसके आंसर को लिख सकते हैं। मैं आपको पहला होमवर्क दे रही हूँ, मैच द कॉलम्स, सुक्ता, चैरिट्स, यज्ञा, दासा एंड मेगालिस। यहाँ पे है स्टोन बाउल्डर्स, सैक्रिफाइस, वेल्सिन, यूज्ड इन बैटल्स एंड स्लेव। आपको मैंने इन सब के बारे में बताया, आपको सिर्फ मैच करना है। सुक्ता, सुक्ता क्या है? सुक्ता भी मैंने आप लोगों को बताया था, चैरिट्स के बारे में बताया था, यज्ञ किसे कहते हैं, दासा एंड मेगालिस। अब आपको सिर्फ मैच करना है और बताना, अगर आप मैच कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस लेसन से लेसन को आप समझ गए हैं। नेक्स्ट होमवर्क क्या है, आपको कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कंप्लीट करना है। ए में है स्लेव्स आर यूज्ड फॉर, स्लेव्स किस लिए यूज किया जाता था, मेगालिस आर फाउंड इन डैश, एंड थर्ड वन इज स्टोन सर्कल्स आर बाउल्डर्स ऑन द सर्फेस वेर यूज्ड टू डैश, पोर्ट होल्स वेर यूज्ड फॉर डैश, पीपल एट इनामगांव 8 डैश। आपको ये सब चीजें मैंने बताया है, आपको जस्ट उसमें फिल करना है। अगर आपने इन दोनों को फिल कर दिया, अपने आप से फिल कर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इस लेसन को जो है कम्प्लीटली पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया है। सो ओके स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके बाहर घूमने की कोशिश ना करिए, अनावश्यक में जाए घर में बैठिए, पढ़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। ओके बाय।